किसी खातून ने लिखा है कि मैं अल हुदा सेंटर से तफसीर कुरान का कोर्स कर रही हूँ, 20 सिपारे हो चुके हैं और अब मेरा पढ़ने में जी नहीं लगता, बल्कि पढ़ने के नाम से मुझे नफरत होती जा रही है। ये मेरी बहन, अल्लाह तुम सब बहन बेटियों पर अल्लाह पाक पर फजल फरमाए, ये तुम्हारी ही वजह से मैंने ये काम सीखा था। ऐसी शिकायतें आई थी मेरे पास। तो जब हमारी बहन बेटियां दीन की तरफ आती हैं, फिर शयातीन उन पर बहुत ज़्यादा हमलावर होते हैं, क्योंकि चोर डाकू कहाँ आता है? जहाँ भूखे होते हैं कि नहीं, जहाँ माल होता है, ठीक है ना। तो फिर ये अल्लाह इसकी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। बस इस्तकामत पकड़ो और अल्लाह से मदद मांगती जाओ। सुबह शाम के अज़कार पक्के कर लो, और ख़ास कर सुबह जो तस्बीह है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क वलहुल हम्द वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, सुबह इसको पढ़ो। और एक दुआ हिस्नुल मुस्लिम के अंदर है, जब भी कैफियत ये बने फौरी तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीमु ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीमु ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम, इसको पढ़ना शुरू करोगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के फजल से तुम्हारी ये कैफियत चेंज हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। दूसरा, जब वो बच्ची सोई हो तो उसके सरहाने के पास, आजकल तो बेड साथ लगे होते हैं ना, राइट साइड पे खड़ी हो जाए और इतनी आवाज़ में कि जैसे वो बच्ची को सुना, जब सोया हो बच्चा, जागते नहीं, एक बार सूरह कमर पढ़े, तीन बार सूरह बुरूज पढ़े, फिर उसको सर से पांव तक फूंक मार दे, अल्लाह उसे शिफा देगा इंशाअल्लाह। कुरान में इलाज है अल्लाह के लिए, कुरान को पकड़ लो, नबी को फॉलो करो, तुम्हारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से।